बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। जी हां, 3 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इसी चरण में लालू प्रसाद यादव के बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत पर भी फैसला होगा। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, 2015 में तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा से चुनाव जीते थे। महुआ विधानसभा से तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की खबर थी। जी हां, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय हैं। जी हां, दोनों की शादी 2018 में हुई थी। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में देश के कई जाने पहचाने नेता शामिल हुए थे। जी हां, ऐश्वर्या लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे चंद्रिका राय की बेटी हैं। जी हां, शादी के लिए ऐश्वर्या को तेज प्रताप की मां रावड़ी देवी ने पसंद किया था। शादी के कुछ महीने बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की राहें जुदा हो गई। जी हां, नवंबर 2018 में तेज प्रताप ऐश्वर्या से तलाक लेने के लिए पटना फैमिली कोर्ट पहुंच गए। जी हां, तलाक का आवेदन देते ही लालू के बेटे तेज प्रताप ने घर छोड़ दिया। उस समय तेज प्रताप के इस फैसले से लालू परिवार भी अचंभे में रह गया। जी हां, लालू प्रसाद यादव और रावड़ी देवी ने बेटे को खूब समझाया पर तेज प्रताप फैसले पर अड़े रहे। जी हां, आपको बता दें कि तेज प्रताप की तलाक याचिका के कुछ दिन बाद तक ऐश्वर्या अपने ससुराल में रही, फिर एक दिन वो रोते हुए अपने पिता के घर चली गई। इसके बाद मामले को सुलझाने की कोशिश की गई पर बात नहीं बनी और तेज प्रताप ऐश्वर्या की दूरी ही रह गई, दोनों फिर साथ नहीं आ पाए। जी हां, कुछ महीने पहले ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। चंद्रिका राय परसा विधानसभा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी ऐश्वर्या भी अपने पिता के लिए प्रचार कर रही हैं। कुछ दिन पहले ऐश्वर्या चंद्रिका राय के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में भी नजर आई थी। जी हां, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।